अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू बैक टू माय चैनल। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी अच्छे होंगे। अच्छा तो जनाब, आज का व्लॉग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आज कुछ अपडेट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ जो कि कल परसों ही आई हैं। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मैं आपके साथ ये अपडेट्स शेयर करूँ, इसीलिए मैंने आज के व्लॉग में ये सारी आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ जो अपडेट्स न्यू आई। मैं आपसे आप बात करूंगी, जो लोग ILR या PSW या सिटीजनशिप अप्लाई करने वाले हैं, ये सब टॉपिक पे मैं आज आपसे बात करूंगी। आज का व्लॉग आपने पूरा देखना है, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। अगर तो आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। इन कुछ लोगों ने तो देखा ही होगा, 12 पॉइंट प्रपोजल आया था, उस पर गवर्नमेंट ने साफ अल्फाज में कह दिया कि उस पर डिसीजन लेने वाले हैं ये। उनके कुछ डिसीजन ऐसे हैं कि जिन पे उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अच्छा जी, उससे पहले मैं आपको बताऊंगी कि UK में बहुत ही जबरदस्त किस्म की इन्फ्लेशन आई। इकोनॉमिक क्राइसिस तो इस वक्त अपने उरूज पे जा रहे हैं। जो मेजोरिटी है ना, वो इस वक्त हैंड टू माउथ चल रहे हैं। फिर इनका पब्लिक सेक्टर जो है ना, वो अलग क्राइसिस में चल रहा है। उनका कहना ये है कि उनको वेजेस उस तरह से नहीं मिल रही हैं, की वजह से उन लोगों ने हड़तालें करना शुरू कर दी हैं। उनकी रोजाना स्ट्राइक्स होती हैं, इसमें आ जाते हैं स्कूल्स, आ जाते हैं हॉस्पिटल्स, आ जाते हैं पासपोर्ट ऑफिस, आ जाते हैं और बहुत सारे यहाँ पे इदारे हैं जो इसके हवाले से। फिर ये किया कि जो कि पब्लिक के ऊपर बर्डन डालने के बजाय इन्होंने इमिग्रेंट्स को टारगेट करना शुरू कर दिया। इसमें जो लोग विजिटर आ रहे हैं या स्टूडेंट आ रहे हैं, इन लोगों की फीसें टू मच हायर कर दी। भी लोग आएंगे ना, उनकी 15% फीस इंक्रीज कर दी गई है। उसके बाद जो भी ILR के लिए अप्लाई करेगा, ब्रिटिश सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करेगा, प्रायोरिटी वीजे के लिए अप्लाई करेगा, या फिर जिनके पास COS है, दे विल ऑल्सो मोर देन 20% फीस। तो जनाब, ये जितने भी आपने अपडेट सुनी है ना, ये कोई प्रपोजल नहीं है, ये डिसीजन है। इसका मतलब है कि जो भी इन्होंने कहा वो सब इस पे काम होने वाला। डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, लेकिन मे भी ये जनवरी में स्टार्ट हो जाएगा। भी अगर जो लोग सोच रहे हैं कि हमने UK आना है, तो प्लीज आप जल्दी आ जाएं, क्योंकि जनवरी से यहाँ रूल्स चेंज हो जाएंगे। इसके बाद आफ्टर जनवरी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, क्योंकि फिर तो स्टडी अफोर्ड करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आई होप कि आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आज का व्लॉग इधर ही एंड करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सबको अल्लाह हाफिज़।